हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड। आज बात करते हैं एक अजीम शख्सियत जो कि ख़ास तौर पर जो एक विपक्ष का रोल जो कि आप हर रोज़ देखते हैं टीवी पर। हमारे साथ हैं अतुल अंजान सर। इनसे आज जानने चाहूँगा कि ओवरऑल जो इलेक्शन हुआ है और उस पर सर क्या कहना चाहेंगे, जो इलेक्शन हुआ है किस तरह से तवक्का करते हैं कि ये नया जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, क्या पिछले गवर्नमेंट से जो इनकी हैबिट्स थी अबाउट लिंचिंग हो अबाउट है जो कि सबका साथ सबका विकास, अब एक नारा आया है सबका विकास सबका विश्वास, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी ने अपनी सरकार तो बना ली, बहुमत तो बहुत प्रचंड मिल गया, इतना तो उनको आशा भी नहीं थी। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने वोट देकर इतनी बड़ी सरकार बना दी। अब जो भी वजह हो, इस देश का चुनाव आयोग जवाब दे। इस देश का चुनाव आयोग भी बट गया, एक चुनाव आयुक्त आज बीमार हो गए, उनका एक्सीडेंट हो गया, लवासा साहब कहीं पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा था चुनाव आयोग की मीटिंग में कि प्रधानमंत्री और अमित शाह के खिलाफ जो लोग वक्तव्य दे रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, जिसको लेकर के मतभेद हो गया, और मतभेद हो गया तो उन्होंने मीटिंगों में जाने से मना कर दिया और अब वो चोट खा गए। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि अब ईवीएम के स्थानांतरण को लेकर के 20 लाख ईवीएम कंपनी से चले चुनाव आयोग तक पहुंचे नहीं, तरह तरह की कहानियां हैं। लेकिन ऐसा लगता है ईवीएम का नाम बदल गया है, एवरी ई मने ई वी एम, ई मने एवरी, वी मने वोट, एम मने मोदी, एवरी वोट मोदी, ये ईवीएम इसमें कन्वर्ट हो गया है, इसमें बदल गया है। अब जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग को कई बार कई वर्षों तक दंड बैठक करनी अच्छा, होगी। जैसे कि आप कह रहे थे कि लवासा साहब अभी बीमार हो गए हैं, उनको कुछ तरह का मतलब परेशानी हो गया है, तो उन्होंने कहा भी था कि एक चुनाव आयोग में एक मतलब विवाद हो गया था शुरू की, उनकी मतलब बात को रिकॉर्ड नहीं किया जाता था, कहीं ना कहीं एक गंभीर सवाल उठता था। लेकिन अब तो चुनाव कम्प्लीट हो गया, तो अब इस तरह से उनका तबीयत खराब हो जाना क्या मतलब संदेश? देखिए, ये संदेश है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम है, बड़ी अजीब सी बात है इस मुल्क में। सोहराबुद्दीन की हत्या के सिलसिले में जो जज मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे अमित शाह के खिलाफ, उनकी भी मौत हो जाती है। ये एक अजब गठजोड़ है, एक अजब इत्तेफाक है, ये भी अजब इत्तेफाक है। तो अब देखना होगा कि कुछ उनकी भी मजबूरियां होंगी, कुछ हमारे भी दायरे हैं, देखना है कि देश के अंदर क्या हो रहा। लेकिन अब ये सरकार तो बन गई है, अब सरकार को परफॉर्म करने की ज़रूरत है। कैसा मंत्रिमंडल बनेगा, तरह तरह की बातें प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपने ओथ सेरेमनी को एक मेगा इवेंट शो भी बनाने के चक्कर में हैं, अच्छी बात है, जीत की खुशी में मनना भी चाहिए। लेकिन उन वायदों का क्या हुआ जो 2014 में उन्होंने दिए थे? नए वायदे क्या हैं? राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? क्या पुलवामा में जो शहीद हुए उनके साथ न्याय कर पाओगे आप? आप ये बताओ, राष्ट्रवाद का अर्थ ये तो होता नहीं कि पुलवामा के शहीदों को जिन आतंकवादियों ने मारा था उसको मारने वाले मेजर ढोंडियाल और मेजर बिष्ट के घर आज तक आप नहीं गए, और जिस दिन उसी आतंकवादियों को मारने वाले पिंटू कुमार सिंह की शव जब पटना एयरपोर्ट पर आई और प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग और बिहार सरकार के लोग वहाँ संकल्प रैली गांधी मैदान में कर रहे थे, क्यों नहीं उसके शरीर के पार्थिव शरीर को लेने गए? तो आज इन सब चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं तमाम मतदाताओं से कहना चाहता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थवान है उसको आप किसी प्रकार का दोष नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री ये इनके इन प्रकारें बड़े ज़बरदस्त बहुमत से आ गए हैं, अब कुछ करिए, कुछ बोलिए, कुछ करके दिखाइए। ठीक है, जैसे कि आप ही कह रहे थे कि इस बार जो मोदी जी जीत कर आए हैं किसी तरह का कोई वादा नहीं, जबकि 2014 में वादा किए थे कि मैं 2 करोड़ का जॉब दूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, और जो कि 15 लाख का जो सबको खाते में दूंगा। लेकिन इस बार तो कोई ऐसा वादा भी नहीं है, स्पेशली जैसे कि एक राष्ट्रवाद का जो नारा है, क्या आप मानते हैं कि जो नारा है इस पर
इससे देश का भला हो सकता है। और जैसे कि सार्क देशों का मतलब कि इनवाइट किया गया वो जर्मनी में, और सार्क में नहीं किया गया, बीमेक्स जो कंट्रीज का जो है लोग उसमें उनको भी मतलब कि इनवाइट किया गया है, लेकिन पाकिस्तान को जो छोड़ दिया गया है। कहीं ना कहीं इसको देखते हैं कि एक राष्ट्रवाद के बिना पर एक जो नाइबर कंट्री है, नज़दीक कंट्री, उससे किस तरह का रिलेशन आप देखते हैं ख़ासतौर पर जो सरकार आई। देखिए बिमेक्स में पाकिस्तान नहीं है, इसलिए पाकिस्तान का ना आना और आने के ऊपर बहस मत कीजिए। पिछली दफ़ा आए थे तो क्या हो गया था नवाज शरीफ का, और पाकिस्तान को बहुत सी चीज़ों को सोचना पड़ेगा, उनको अपने रिश्ते निभाने के लिए अपने अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी। इमरान खान साहब बॉल को ट्विस्ट मत कराइए, गुगली मत फेंकिए, और पिच अगर टर्न ले लेगी तो गड़बड़ होगा। इसलिए रिश्तों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी इमरान खान की है, इसलिए कि आप पाकिस्तान के अंदर सेकुलरिज्म को देखो, आप किसी के गुरुद्वारा को गिरा करके आप पाकिस्तान का झंडा ऊंचा नहीं कर सकते। ये बात इमरान साहब मैं आपसे कहना चाहता हूं, और भारत को भी ये समझना चाहिए कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो इसलिए हमारी जो पॉलिसी है वो सारे अगल बगल के मुल्कों के साथ बेहतर रिलेशन को बनाने के साथ दुनिया में भी बेहतर रिलेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको भी तो कुछ बेहतर कदम उठाने पड़ेंगे ना। पाकिस्तान को भी दो कदम वो भी आगे बढ़ें, दो कदम हम भी आगे बढ़ें, तब बात बनेगी। लेकिन अफसोस है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की दहशतगर्दी अभी हो रही है, माह रमजान में जिस तरह से बम चल रहे हैं, जिस तरीके से इबादत में लगे हुए लोगों को उड़ाया जा रहा है, ये पिछले 8 साल से मैं देख रहा हूँ कि हर साल 600, 800, 1000, 1200 लोग मस्जिदों में खुदा को याद करते हुए नमाज पढ़ते हुए बम से उड़ा दिए जाते हैं। ये सब बदलना पड़ेगा, अच्छा, रोकना पड़ेगा। और अपने हिंदुस्तान में भी हमको अपने पड़ोसी मुल्क के साथ बेहतर रिश्ते कायम करने की बात करना पड़ेगा। और एक बात, मोदी जी संविधान से छेड़छाड़ मत करना, मोदी जी सेकुलरिज्म को अपनी ज़िंदगी का रास्ता बनाना। ये देश बहुधार्मिक है, बहु परम्परावादी है, बहुभाषाई है, बहु क्षेत्रीय है, इसलिए इसमें सबको जोड़ के चलना है। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ईसाइयों का है, उतना जैनियों का है, उतना पारसियों का है, उतना बौद्धों का है। इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, अब ये बताइए, जैसे कि आप पार्टी पर आना चाहूँगा, जिस तरह से जो ख़ासतौर पर बिहार में जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाया CPI और बहुत सारी जगह, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का ग्राउंड पर कुछ कमियां रह गया कि आपकी पार्टी अच्छा से अच्छा करके नहीं आ पाई, ख़ासतौर पर कन्हैया जो हार गए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारी पार्टी में हजारों बहुत संघर्ष करने वाले लोग हैं जो बरसों जेल में रहा हूँ। मैं खुद ही जानता हूँ अपने बारे में, क्या कहूँ, 89 बार जेल गया, 4.5 साल जेलों में रहा हूँ, बहुत सी सरकारों को उल्टा है, संघर्ष करता रहा हूँ, संघर्ष करें। हमारी पार्टी में बहुत से सूरमा हैं, लड़े चुनाव में सांप्रदायिकता, जातिवाद और धन की ताकत और संकीर्ण नीतियों ने हमें पराजित कर दिया। हम फिर उठेंगे, 2004 से पहले कोई सोचता था कि हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन 63 सीटें लोकसभा में आ गई, बगैर हमारे सरकार नहीं बन सकती थी। लेकिन अब इस बदले हुए दौर में हमें खुद सोचना पड़ेगा, और हमें जनता के सवालों को लेकर सक्रिय होना पड़ेगा, लड़ना होगा, नौजवानों को आगे लाना पड़ेगा, उनकी शिक्षित दीक्षित करना पड़ेगा। खाली नौजवान नौजवान करने से नहीं होगा, नौजवानों को पढ़ा लिखा होना, देश को समझना जरूरत है। मालूम नहीं कितने राज्य हैं, लेकिन राजनीति में MLA MP बनना बहुत जरूरी समझते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नौजवानों को आगे आने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी अपने साथ तेज़ी के साथ करनी होगी। बड़ों के अनुभव, संघर्षों की छांव, अपनी ऊर्जा और नई चुनौतियों के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, और हमें दफ्तरिया नेतृत्व से मुक्ति पानी पड़ेगी। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह से CPIM का स्टूडेंट यूनिंग्स है वो जिस तरह से संघर्ष करते हैं ख़ासतौर पे यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ। ओवरऑल मैं एक जानना चाहूँगा कि दीदी जो कि बंगाल की ममता बनर्जी जो कहती हैं कि हमें कम सीट आया, और जो कि अमित शाह का जो रैली हुआ था उसमें बहुत सारे का वायलेंस हुआ था, तो उन्होंने आरोप लगाया था कि CPI के जो भी वोटर्स थे, जो भी कार्यकर्ता है, वो टर्न आउट हो गए BJP में, इस तरह इस आरोप को क्या कहना चाहेंगे? ममता बनर्जी के अंदर संतुलन की कमी है, जीवन में भी संतुलन नहीं है,
राजनीति में भी संतुलन नहीं है, भाषा में भी संतुलन नहीं है, जब चलती हैं उसमें भी संतुलन नहीं है। इसलिए पहले संतुलन का क्लास ले लें, एक गिलास संतुलन पी लिया करें, उसके बाद बोला करें कि कौन किसके साथ है। आपकी पार्टी में सारे चोर बेईमान शारदा नारदा के सब इकट्ठा कर लिए और लुट गए तो हमको इल्ज़ाम दे रहे हो। हाँ, हमको इल्ज़ाम दे रहे हो। ममता जी, बहुत खेल कर लिया आपने, बस मैं एक दो क्वेश्चन बस। अभी जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पर जो कि बहुत सारे चोर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी वहाँ के बहुत सारे कॉरपोरेटर जो कि बीजेपी में भी शामिल हो गए, आज और कल लगभग 60-70 तक मतलब कॉरपोरेटर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और दो विधायक तक, इस पर क्या क्या देख रहे हैं कि वहाँ के राजनीति की किस तरह का संतुलन बिगड़ रहा है? क्या आप लोगों का लेफ्ट का भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, और लेफ्ट का भी एक विधायक जो कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ममता जी, खुद सोचिए कि बड़े पैमाने पर मुस्लिम MLA आपके बीजेपी में जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं तो आपसे बहुत बड़ी गलती है। मुकुल राय बड़े आपके सितारे हिंद थे, चले गए, और भी कई थे चले गए, सब लेफ्ट में भेज दिया, सब कम्युनिस्ट पार्टी ने भेज दिया, CPI ने भेज दिया। तो अब आप देखिए, ऐसा मत कीजिए कि एक बार हरिशंकर परसाई जी ने लिखा था कि आज मेरा मन समाजवादी हो रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं अपनी कुर्ता फाड़ लूँ, अपना कॉलर फाड़ लूँ, अपनी बाहें फाड़ लूँ, क्योंकि आज मेरा मन समाजवादी हो रहा है। मेरा मन समाजवादी हो रहा, पेड़ पर चढ़ जाऊँ और सारे डाल तोड़ डालूँ और खुद भी लटक कर नीचे गिर जाऊँ, क्योंकि आज मेरा मन समाजवादी हो रहा है। वैसी स्थिति ममता जी की है। बड़ी गंभीरता से सोचिए, विषमता आपने पैदा की है। पश्चिम बंगाल के राज में हमने, ऐ ममता, 34 साल की कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार में एक MLA बीजेपी का नहीं जीतता था, एक MP नहीं जीतता था। सिर्फ एक दंगा हुआ 34 साल में। मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, खूब आपने छांव से खूब पंखा झलाया है ममता बनर्जी को, और कुछ मौलवी मुल्लाओं को, मस्जिदों के इमामों को तनख्वाह सरकारी लेकर आज आफत बुला ली है आपने। जरा इस पर गौर कीजिए मौलवी साहब, आप इस पर गौर कीजिए हजरत। ये मुल्क सेकुलर मुल्क है और आज मांग उठने लग गई है कि मंदिरों के पुजारियों को भी तनख्वाह दीजिए। आपने वो कुकर्म करवा डाला जिससे इस मुल्क के सेकुलरिज्म के रास्ते पर एक गंभीर चुनौती हो गई, और ममता जी ने आपने वो कर डाला है जिसके चलते जो गड़बड़ियां अंग्रेजों ने 1905 में बंग भंग आंदोलन करके बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी में बांट करके नहीं किया, वो काम आपने बंगाल में कर दिया, और आज ये सांप्रदायिक स्थिति को लाकर आज 18-18 MP आपने जितवा दिए बीजेपी के। आपके काम की जय, आपके नाम की जय, आपकी सोच को जय, और आपकी करतब को सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अतुल अंजान सर, जो कि बता रहे थे ओवरऑल किस तरह से इंडिया का जो हालात है और जो मौजूदा गवर्नमेंट जो आ रही है किस तरह का वो काम कर सकती है, किस तरह का तोके है। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में। मोहम्मद तस्लीम।